किसका भजन किया जाए। साहब कबीर कहते हैं, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेस किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई नेती धोती आंत पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई सात सूरत कोई सात कमल कोई सात सुन्न तक जाने का, कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहं शक्ति जमाने का। कोई छर कोई अक्षर कोई नियक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेर कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप अपाने का, आप मिट के आप हुआ रहा न कुछ कहने का, यहाँ वहां मैते और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसको भजा जाए, कौन हमारा मालिक बनेगा, किससे हमारी मुक्ति होगी, वो तो सामने किया जाए, हम भी उसी को मान ले। कहीं कोई परिचय नहीं है, कहीं कोई भगवान, ये सारे कल्पना, सब लोगों ने कल्पना किया भगवान का। मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, छत्तीसगढ़ का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, महाराष्ट्र का भगवान अलग है, केरल कर्नाटक का भगवान अलग है, बिहार का भगवान अलग है, बंगाल का भगवान अलग है, असम का भगवान अलग है, इंग्लैंड का भगवान अलग है, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, लंका का भगवान अलग है, सऊदी अरब का भगवान अलग है। ये सारा भगवान कहां से आया? इस सारा भगवान की कल्पना ये मानव ने किया। जितना भगवान आपके सामने है ये मानव के द्वारा उद्घाटित है। सारे भगवान का उद्घाटन आपने किया है, और किस परिस्थिति में आपने किया है, तो दुख के परिस्थिति में। जब मानव के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, उस परिस्थिति में वो भगवान को पुकारता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, अभी आप चैन से सत्संग सुन रहे हैं। एक भी भगवान का उद्घाटन आप नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तुरंत आप भगवान को पुकारेंगे। जैसे अभी किसी आदमी को डकैत घेर ले, तो अभी अगर बोल के भी न हो तो मन ही मन जरूर भगवान को याद करेगा, वो आदमी, भगवान आओ और मुझको बचाओ।
बंधुओं, आप कहीं रास्ता में जा रहे हो, आगे कहीं श्मशान है और रात्रि हो गई है, 12 बज गया है रात। अब आपको भय हो गया कि यहां कहीं भूत होगा, हमको पकड़ लेगा, आपको दुख आ गया श्मशान से, तो आप तुरंत भगवान को उस समय पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ते पढ़ते आ गए अपने घर, घर पहुंच गए, हनुमान चालीसा चलेगा कि अब बंद हो जाएगा, अब डर है, अब तो आ गए अपने घर, अब हनुमान जी जाए जहां जाना है वहां, अब उससे हमको कोई जरूरी नहीं, जरूरी था उसको मैंने बुलाया, जरूरी खत्म हुआ, अब जाए जहां जाना है। साहब कबीर कहते हैं डगरिया भूल गई। ये सारे धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग अपना स्वार्थवश मानव के डगर को, जो अपने घर जाने का डगर है, जिस घर से हम लोग आए थे उस घर वापसी का जो हमारा डगर है, उस डगर को छोड़ाया है। कोई कर्म में फंसाया है, कोई उपासना में फंसाया है, कोई जोग में फंसाया है, कोई नाम रटने में फंसाया है, नाना प्रकार के कर्म कांड में जाके इस जीव को धर्म गुरु लोगों ने जाके फंसा दिया। कैसे हम अपने घर जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं डगरिया भूल गई, कहीं विधि। ये कह सकते हैं कि हमारा घर, हम मां के गर्भ से आए हैं, अब मां के गर्भ में कहां से गए थे, बिना गए आ गए, मां के गर्भ में बिना गए बाहर आ गए क्या, कहीं से तो गए थे, गए थे क्यों, इस साधन लेने के लिए, इस साधन गर्भ में मिला है, हाथ पैर आंख कान नाक सब मिला है, कहां, मां के गर्भ में। तो आप हाथ तो नहीं है, आप पैर तो नहीं है, आप मुंह तो नहीं है, आप आंख नाक कान तो नहीं है, ये सारे साधन है और आप साधक हैं, 9 महीना रहकर आप बाहर आए हैं। आपका घर कहां है और उस घर को वापस जाना है। डगरिया भूल गई, कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। साहब कबीर कहते हैं अरे पंथ चलत के थे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, पंथ चलत केते दिन बीते, ढूंढ अनेकन न भाव, नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई। डगर भूला गया है, जाना है अपने घर और डगर भूला गया, पंथ चलत के ते दिन बीते, मां के गर्भ और श्मशान, ये दो रास्ता तय करते करते इस जीव को अभी युग बीत रहा है, अपने घर वापस गया नहीं, आया सो गया नहीं,
कभी गर्भ में जा रहा है, कभी श्मशान, कभी गर्भ में, कभी श्मशान, यही दौड़ लग रहा है। साहब कबीर कहते हैं पंथ चलत के ते दिन बीते, अरे तुमको कितना दिन बीत रहा है अब यहाँ। ढूंढ अनेकन भाव, अनेक रास्ता तू खोज रहे हो जाने के लिए। नाना कर्म करत मन हारे, कभी कर्म करते हो, कभी कुकर्म करते हो, कभी सुकर्म करते हो। ये तीनों करते करते, कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते, अंत में ये मन झक मार दिया, अंत में बुढ़ारी में आकर ये दोनों आंख से आंसू बहा रहा है। अब रो रहा है अंत में, अब हमारी क्या दुर्गति होगी, परमात्मा हमारा क्या दुर्गति करेगा। साहब कबीर कहते हैं नाना कर्म करत मन हारे। उदाहरण दिया, आज मैट्रिक में आपके मध्य प्रदेश में हो चाहे ना, आज बिहार में पढ़ाई हो रही है, उसका नाम है मृग तृष्णा। हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में मृग तृष्णा। साहब कबीर कहते हैं सारा दुनिया के औरत और मर्द मृग तृष्णा में लगा हुआ है। मृग तृष्णा का माने होता है, अभी जेठ का महीना आने वाला है, जेठ के महीने में सारे नदी नाला सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है। 12 बजे दिन, जेठ की दोपहरी, तपती धूप, चिलचिलाती धूप और प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है पानी के खोज में, जब जंगल से बाहर होता है मिर्गा, तो चमकते हुए रेगिस्तान, चमकते हुए बालू, जिस बालू में सीमेंट मिलाकर घर बनाते हैं, वो बालू का कण 12 बजे के जेठ के चिलचिलाती धूप में वो बालू का कण चकमक चकमक करने लगता है। दूर से आप देखेंगे तब बुझाएगा कि समुद्र है, वहां पानी है, पानी है, बालू के चकमकाहट, इसी का नाम है मृग तृष्णा। जब मिर्गा की दृष्टि उस चमकते हुए बालू पर पड़ती है तो मिर्गा सोचता है कि वहां तो अथाह समुद्र है पानी का, जाता हूं पानी पी के अपना प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के जाता है वहां, तो वहां जाने के बाद क्या मिला, केवल बालू चमकते हुए। मिर्गा वहां जाके पश्चाताप करता है, आंख से आंसू बहाता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने प्राण को कैसे बचाऊं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है, आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, वो बालू भी चमक रहा है, मिर्गा को लगता है वहां तो और पानी है, जाता हूं वहां जाके पानी पी के प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के गया वहां, वहां गया तो वहां भी केवल बालू है, पानी तो है नहीं, वहां जाके मिर्गा छटपटा के अपना प्राण वहीं खत्म कर, अंत कर लेता है, मिर्गा वहीं मर जाता है। साहब कबीर ने कहा वही काम मानव का है, जिंदगी भर भगवान को खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते, अंत में रो करके छटपटा करके आई मानव अपना प्राण तक देता है। मिला कहीं, मिला कहीं नहीं। साहब कबीर कहते हैं नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ हो, जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। दूसरे शब्दों में कहते हैं अरे वेद पढ़ी पढ़ी
पंडित हारे चतुर न पावहिं ठाउ। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहिं ठाउ। जही पूछो सो नाम बतावे, जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव। बंधुओं बड़ी चालाकी है, बहुत परपंच है अध्यात्म में। साहब कबीर कहते हैं जिससे पूछा जाए तो हर पंथ में नाम की चर्चा हो रही है। नाम दान ले लो, नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नाम तो हम समझ गए, नाम बिहार से हम चले और नाम बोलते बोलते शीतल दास कहते कहते आज जब छत्तीसगढ़ पहुंच गए और दुर्ग स्टेशन उतर गए तो नाम के द्वारा शीतल दास के स्वरूप से हमारी मुलाकात हो गई। यही है शीतल दास, नाम लिए बिहार में, आके छत्तीसगढ़ में मिल गए शीतल दास। कैसे? नाम के द्वारा। कबीर साहब कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय में बसे तो छुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप मिला ना, आ इतना दिन से सीताराम पढ़े हैं मिला है रूप, राधे कृष्ण पढ़े हैं जय हनुमान, ओम भूर्भुवस्व, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर, सतनाम वाहिगुरु, मिला। जिसका नाम लिए वो आया निकट में, भेंट उठ किया, बातचीत हुई। बंधुओं ये नाम है क्या? नाम बड़ा झंझटिया चीज है। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? ये नाम आया कहां से? पहले आप आए धरती पर कि पहले नाम आया? पहले लड़का जन्म लिया माँ के गर्भ से कि पहले उसका नाम पड़ गया? क्या आया पहले? साहब कबीर पूछते हैं पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। बड़ा कौन? नाम की जीव। बोलिए तो कोई आदमी, पहले जीव आया धरती पर कि पहले नाम आया? पहले देह आया कि पहले रामशंकर आया? कौन आया पहले? तो आप नहीं होते तो नाम कहां से आता? अगर इस दुनिया में एक आदमी नहीं होता तो जोगेंद्र महेंद्र राजेंद्र रामशंकर नाम कहां से आता? सीता रीता गीता कहां से आती? विचार किया कभी पहले कौन? पहले कर्ता की पहले कर्म? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी हियर द रोरिंग ऑफ ओशन सचित द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम नदी के किनारे जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के कल कल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है, वो समुद्र सत है कि आवाज सत है? हम माइक पर बोल रहे हैं, हम सत हैं कि माइक सत है? कौन सत है? बोलने वाला सत है? ये नाम कहां से आया? किधर से निकल के आया है नाम? जिसका जाप हम करें, कबीर साहब कहते हैं
शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा गुलाम है। अभी मैं इस काया में हूं तो इतने शब्द निकल रहे हैं, अब मैं ही निकल जाऊं तो कितने शब्द आएंगे आएंगे। तो शब्द का बाप कौन है? मैं। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे हुए थे और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम, पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो तंग आ गया सीताराम पढ़ते पढ़ते। मन में सोच रहा था सुग्गा, कैसा भागा ये बाबा जी है, रात दिन शाम सवेरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग खराब कर दिया ये बाबा जी। सुग्गा सोच रहा था, तभी एक दूसरे संत जी मठ में आ गए। मठ में आए तो पहले वाले साधु जी ने इस साधु से कहा कि बाबा आप जाइए सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए और मैं पंगत बनाता हूं, पढ़ा के आइए, दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे। साधु सोचा कि साधु बाबा हमको तो हल्के काम दिया, भारी काम तो अपने ले लिया। चले साधु बाबा सुग्गा को सीताराम पढ़ाने। वहां से आए और सुग्गा से कहते हैं मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा ए बेकूफ, 12 बरस से एक बाबा जी हमारा दिमाग चाट गया सीताराम पढ़ाते पढ़ाते, अब तू अभागा कहां से आया है, इस सीताराम पढ़ने से क्या होता है। तो साधु कहा सीताराम पढ़ने से मानव भव सागर से पार होता है। सुग्गा कहा चुप बेकूफ, कहां के 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एक पिजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। कहा जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से झूठा। साधु कहा सुग्गा से ए मिठू तेरी बात मैं समझ गया, तुमको आज तक कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो अभी तक तू पिजरा से निकल गया होता, आज मैं तुमको पिजरा से पार कर दूंगा। साधु कहा, सुग्गा कहा आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूंगा। साधु कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, स्नान करके मैं पंगत करूंगा, विश्राम करूंगा और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तेरा जो मालिक है साधु वही आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। तो तेरा मालिक जो साधु है उसको मैं देखा हूं खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिजरा में चित होके उलट जाना, आंख दोनों बंद कर लेना, लाख बाबा जी कहे सीताराम एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु जी चले गए, शाम में उसका मालिक आया खराम पहन के। सुग्गा दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लिया, पिजरा में चित होके उलट गया। लाख बाबा जी आया, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा तो उल्टा हुआ है पिजरा में, आंख बंद है। साधु आके पिजरा में देखा, साधु सोच लिया सुग्गा की मृत्यु हो गई, ये क्या पढ़ेगा सीताराम। नौकर को कहा साधु बाबा जी सुनो सुग्गा मर गया, इसको उधर ले जाओ पिजरा और सुग्गा को निकाल के फेंक दो।
नौकर उठा के उधर पिजरा ले गया, पिजरा का मुंह खोला और सुग्गा 9 2 11 हो गया। मुंह बंद करने से मुक्ति मिली कि हल्ला करने से? कैसे मिली मुक्ति? साहेब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मर गयउ काज नये को सियार से भयउ। रात में गीदर कहाँ बोलता है? जंगल में। आ कुत्ता कहाँ भूकता है? गांव में। कुतबा गीदरबा के भेंट है? अगर भेंट हो जाए तो या तो 2-4 पटकन ही उसको देगा, न तो वो है 2-4 पटकन इसको देगा। भेंट हो जाए तब, लेकिन भेंट नहीं है। गिदरवा बोल रहा है जंगल में और कुतबा भूख रहा है गांव में। इतना दिन से भूखते भूखते मर गए, इतना दिन से गाते गाते मर गए। भगवान रूपी गिद्दर से भेंट उठ है कि केवल भूख के मर गए जीवन भर? गिदरवा से भेंट है? किधर है भगवान? बुलाइए, लाइए भगवान को, हम भी मान लेते हैं। अगर है भगवान तो कोई आदमी बुला के ले आइए, हम मान लेंगे भगवान को। किधर रहता है भगवान? भगवान का घर किधर है? मैं तो जानना चाहता हूं, भगवान हिंदू है कि मुसलमान, भगवान सिख है कि ईसाई, भगवान औरत है कि मर्द, भगवान गोरा है कि काला, भगवान धनी है कि निर्धन, भगवान छूत है कि अछूत, भगवान बैकवार्ड है कि फॉरवर्ड, भगवान एससी है कि एसटी की ओबीसी, कैसा है? कोई तो बताइए, उस भगवान को मान लिया जाए। इतना झूठ का रोजगार चल रहा है, इतना झूठ का धंधा चल रहा है, भगवान भगवान करके सारे लोग बेकल होके मरने पर लगा हुआ है। आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं। बंधुओं, कहा कोई लीला 24 अवतारण का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई सतुआ चिवरा पूरी ठकुआ खजूर लेके और नगर नगर घूम रहा है भगवान के खोज में, तीर्थ में दौड़ लगा रहा है। मिला? साहेब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। ये सारे लोग कहां से आए? इस धरती पर कहां से आए? घर कहां है? साहब कबीर ने पूछा, कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहां तुम्हारा ग्राम। बोलिए, कोई आदमी परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपकी जाति क्या है और आपके इष्ट कौन है। बोलिए तो जरा, परिचय दीजिए तो, कोई परिचय दीजिए। अपना परिचय मालूम नहीं है, खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, राम को जाना, कृष्ण को जाना, ब्रह्मा को जाना, विष्णु को जाना, जिला को जाना, थाना को जाना, देश को जाना, विदेश को जाना, और सब कुछ जाना और अपने आप को आज तक नहीं जाना। आप कौन है? आपका घर कहाँ है? आप आए कहाँ से? और आपका नाम क्या है? आपकी जाति क्या है? और आपके इष्ट कौन है? ये परिचय तो दीजिए। कोई परिचय मालूम नहीं है। दूसरे के बारे में जाना, लेकिन अपने बारे में आज तक कोई परिचय
और कोई जानकारी नहीं मिला। बंधुओं,